हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन ANJ एग्जाम्स। दिस इज रंजन। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि CSPHCL ने वैकेंसीज के रिगार्डिंग जो एग्जामिनेशन लिया था उसके रिजल्ट्स भी आ गए, बहुत सारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट भी हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी ग्लोरीफाइंग जर्नीज थी उन सब स्टूडेंट्स की, उसके वीडियोज भी बैक टू बैक आप सब देखते आ रहे हैं। तो अब सभी सेलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अगला इंतजार जो है वो है DV का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंतजार चल रहा था। तो अब उसके रिगार्डिंग भी CSPHCL ने ये शॉर्ट से एक नोटिफिकेशन जारी किया, जहां पे कि डेट और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है फॉर DV, ये दोनों ही चीजें मेंशन कर दिया हुआ है। तो चलिए फटाफट से इस पे एक नजर डालते हैं कि क्या क्या चीजें मेंशन है। तो वेरिफिकेशन फॉर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इनकी जो वेरिफिकेशन है वो शेड्यूल की जा रही है, लाइकली टू बी शेड्यूल लिखा हुआ है क्लियरली कि 16 जुलाई 2022 के लिए। तो एक्सपेक्टेड है कि 16 जुलाई 2022 के लिए आपका DV जो है वो शेड्यूल रहेगा। इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के चलना है वो सब यहाँ पे लिस्ट बाय लिस्ट दिया हुआ है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से भी। ठीक है, तो एक बार जल्दी से देखते हैं इसको। और जो डेट और टाइम और वेन्यू, डेट टाइम और वेन्यू, ये तीन जो चीजें हैं कि डीवी के लिए आपको कहाँ पर आना है, कितने किस तारीख को और कितने समय, वो और डिटेल्ड फॉर्म में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा बाय द ई कॉल लेटर आप तक पहुंच जाएगा, आपने अगर मेल आईडी अपनी डाली हुई है वहां पर तो। और ये साथ ही साथ जो पावर कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये वहां पर भी अपडेट कर दी जाएगी। ठीक है, तो उसके थ्रू भी आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट थिंग, आपको डॉक्यूमेंट्स में ओरिजिनल और फोटोकॉपी के फॉर्म में क्या क्या चीजें लेकर के जानी है वो मैं बता दूं फटाफट से। लिखा हुआ है सभी कैंडिडेट्स के लिए ये कॉमन तीन डॉक्यूमेंट्स तो लेके जाने ही है। कौन कौन से तीन डॉक्यूमेंट्स है? सबसे पहला मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल, ये किस चीज के लिए होगा? फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के वेरिफिकेशन के लिए ये चीज होगी। इसको भी आपको ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी दोनों के फॉर्मेट में लेके जाना होगा। नेक्स्ट, मार्कशीट जो आपका डिप्लोमा या बीटेक या बीएससी या जिस भी डिग्री के बेसिस पे आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे उसकी मार्कशीट भी आपको लगेगी। ठीक है, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी बोथ। और नेक्स्ट तीसरा चीज होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट, छत्तीसगढ़ स्टेट का निवास प्रमाण पत्र जो है आपका वो रिक्वायर्ड होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप SC या ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए ये दो टाइप के डॉक्यूमेंट्स अलग से रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहला परमानेंट कास्ट सर्टिफिकेट जो कि एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया होगा आपको, या फिर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट जो है आपको एक एफिडेविट भी सबमिट करना पड़ सकता है, एफिडेविट सबमिट करना पड़ सकता है ड्यूली नोटराइज्ड। द फॉर्मेट ऑफ द सेम इज अवेलेबल इन द पावर कंपनी वेबसाइट, है ना। इसका आप वेबसाइट पे जाएंगे आपको पूरा क्या क्या डॉक्यूमेंट जो सबमिट करना है उसके लिए क्या फॉर्मेट होना चाहिए वो भी यहां पर दिया हुआ है। इवन पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए भी किस फॉर्मेट में आपको डेटा सबमिट करना है वो भी डॉक्यूमेंट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। तीसरा, अगर ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं आप तो आपको क्या सबमिट करना चाहिए? देखिए, परमानेंट कास्ट सर्टिफिकेट तो आपको भी सबमिट करने की जरूरत पड़ेगी। नॉन क्रिमी लेयर का सर्टिफिकेट जो होगा, NCL सर्टिफिकेट और लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट जो है ये भी आपको जो है वो सबमिट करना पड़ेगा, और वो नोटराइज होना चाहिए तहसीलदार रैंक के किसी पर्सन या उसके अबव का, उससे नीचे के रैंक के पर्सन का नोटराइज्ड जो है वो वहां पर सैंक्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन। अब ये एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या होना चाहिए? एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से जिन बच्चों ने फॉर्म जो फिलअप किया हुआ था, जिन्होंने एग्जाम दिलाया उस बेसिस पे जो सेलेक्ट हुए हैं उनको क्या क्या, उनको सबमिट करना होगा डिस्चार्ज बुकलेट, डिस्चार्ज बुकलेट जो है वो रिक्वायर्ड होगा वहां पे। ठीक है, तो SC ST OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं जो छत्तीसगढ़ डोमिसाइल के हैं, है ना, इनको रीइंबर्स किया जाएगा सिंगल टू एंड फ्रो सेकंड क्लास रेल फेयर। अगर आप दूसरे शहर से आ रहे हैं तो आपको आने और जाने की जो सेकंड यानी कि जो स्लीपर जो कैटेगरी की जो क्लास की जो टिकट्स होंगी वो आपको रीइंबर्स किया जाएगा, या फिर ऑर्डिनरी बस फेयर फॉर द शॉर्टेस्ट रूट एट एज एडमिसिबल अंडर द CSPCL रूल। ठीक है, तो वो रीइंबर्स हो जाएगा, रिस्पेक्टिव ओरिजिनल टिकट्स और परमानेंट कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए तब उस कंडीशन में। और पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो सबमिट करने के लिए एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है CSPDCL के ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप उसको विजिट करिएगा, वहां से आपको वो पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा, उस फॉर्मेट के अंदर आप पूरा डिटेल्स फिलअप करके लेके जा सकते हैं। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट आप सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को, वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर DVs। मस्त तरीके से DV में जाइए, पूरे डॉक्यूमेंट जैसा इसमें मांगा हुआ है सारे के सारे प्रॉपर लेके जाइए, DV कंप्लीट कराइए और अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेकर के जोरदार सेलिब्रेशन करिए। मिलते हैं आप सभी से ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच।